आज मैं इस वीडियो में आपको हरा साग मैं कैसे बनाती हूँ घर पे ये मैं दिखाऊंगी। यहाँ मैंने हरा साग दो तरीके का साग लिया है, यहाँ लहसुन ली है, यहाँ हरा मिर्च लिया है। साग को मैंने गंदे खराब पत्ते छाट के अच्छे से धो लिया है। आप भी इसी तरीके से तीन चार पानी धो लिया। मैं यहाँ साग को मैंने चीर ली है, तो मिली मिली काट ली और इसी तरीके से मैं साग को काट लूँगी। यहाँ पर मैंने लहसुन को भून लिया है, मिर्ची तो मिली मिली काट ली है। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाऊँगी, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, देख सकते हैं। यहाँ अब यहाँ पे देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो मैंने लहसुन डाल दी। लहसुन हल्का ब्राउन मेरा हो गया है, हल्का भूरा हो गया है। यहाँ पे मैं मिर्च डाल दूँगी, अपनी जो काट के रखी मैंने मिर्च काट के रखी वो डाल दी है, ऐड कर दूँगी मैं। तो यहाँ मैंने हरा मिर्च डाल दिया है। अब मैं इसे हल्का सा फ्राई करूँगी मिर्च को। तो यहाँ देखिए मेरा मिर्च हल्का फ्राई हो चुका है। अब इसे फिर साग डाल दूँगी जो काट के रखी थी। यहाँ मैंने साग को भी ऐड कर रही हूँ। देखिए साग को इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में सब नहीं डाला है, हल्का हल्का ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा साग ऐड कर दिया है, इस तरीके से अब इसे चला रही हूँ। जब ये थोड़ा सा पक जाए हल्का सा एक मिनट, तो फिर मैं और थोड़ा सा साग ऐड कर दूँगी। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ और साग ऐड कर दिया है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं साग यहाँ ऐड कर रही हूँ। और मैं यहाँ स्टेज पे नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि साग गलने के बाद पकने के बाद एकदम काफ़ी कम हो जाता है। स्टेज पे मैं यहाँ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ सॉल्ट ऐड करने बाद इसे एकदम अच्छे से हल पानी सूखने तक पकाएंगे। यहाँ देखिए अभी भी हल्का पानी है, ये ऑलमोस्ट पक ही गया है, थोड़ा सा और इसे पकाएंगे हम इसे। तो यहाँ देखिए मैं इसे पका रही हूँ। पकाने के बाद देखिए यहाँ मेरा साग ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। देखिए यहाँ हो गया मेरा साग रेडी। इस तरीके से देखिए मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ साग को। तो प्लेट में निकालने का देखिए साग बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, आप जरूर ट्राई करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।